महागठबंधन में सीटों का वितरण हुआ। 9 सीट कांग्रेस पार्टी को मिली, 5 वाम दलों को मिला और 26 सीट राष्ट्रीय जनता दल यहाँ लड़ रही है। उसके अलावा जो कोई भी किसी को इजाज़त नहीं है पार्टी की तरफ से कि कोई इंडिपेंडेंट अपना अलग फैसला करे। हम लोग के निखिल बाबू इतना सीनियर आदमी, औरंगाबाद में सीट नहीं मिली हम लोगों को, नहीं मिली तो कहाँ कोई इंडिपेंडेंट लड़ने चले गए। अभी नामांकन वापस लेने का भी एक तय तारीख रहता है, तब तक हम लोग इंतजार करेंगे। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर महागठबंधन के अंदर रार छिड़ गई है, क्योंकि एक तरफ राजद के सिंबल पर बीमा भारती नामांकन कर चुकी हैं, तो बीते दिन पप्पू यादव ने भी अपना नामांकन पर्चा भर दिया। कांग्रेस के बागी होकर निर्दलीय वो मैदान में उतर गए हैं और ऐसे में अब हर कोई यही पूछ रहा है कि क्या कांग्रेस पप्पू यादव पर कार्रवाई करेगी, क्या लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जाने पर पप्पू यादव को लेकर बड़ा एक्शन कांग्रेस करने जा रही है। इसको लेकर जब आज सदाकत आश्रम में मिलन समारोह कांग्रेस के द्वारा रखा गया था, उस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह से सवाल किया गया, तो क्या कुछ उन्होंने जवाब दिया है वो पहले आप सुनिए। आप सभी जानते हैं कि हम लोगों का जो आला कमान है, आला कमान के दिशा निर्देश के अनुसार महागठबंधन बना। महागठबंधन में सीटों का वितरण हुआ। 9 सीट कांग्रेस पार्टी को मिली, 5 वाम दलों को मिला और 26 सीट राष्ट्रीय जनता दल यहाँ लड़ रही है। उसके अलावा जो कोई भी किसी को इजाज़त नहीं है पार्टी की तरफ से कि कोई इंडिपेंडेंट अपना अलग फैसला करे। आला कमान का जब मुहर लगा हुआ है महागठबंधन पर तो किसी को भी इजाज़त, और बहुत हम लोग के निखिल बाबू इतना सीनियर आदमी, औरंगाबाद में सीट नहीं मिली हम लोगों को, नहीं मिली तो कहाँ कोई इंडिपेंडेंट लड़ने चले गए। तो नामांकन करने का तो आप लोगों को भी राइट है, जाके कराइए, तो उस पर हम प्रतिक्रिया कौन देने वाले होते हैं। नामांकन अभी नामांकन वापस लेने का भी एक तय तारीख रहता है, तब तक हम लोग इंतजार करेंगे। लेकिन जो पार्टी का निर्देश है वो यही है, मैं आपको बता दिया, धन्यवाद। तो अभी आपने सुना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने क्या कुछ कहा है पप्पू यादव को लेकर। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख तक वो लोग इंतजार करेंगे, ऐसा उनका कहना है। अगर नामांकन पप्पू यादव ने वापस ले लिया तो जाहिर तौर पर उन पर कोई एक्शन नहीं होगा, लेकिन नहीं लेते हैं तो फिर कार्रवाई हो सकती है, इस ओर अखिलेश सिंह का इशारा है। लेकिन देखिए बिहार की राजनीति में कैसा माहौल बन गया है। महागठबंधन के अंदर पप्पू यादव अब लालू परिवार से लड़ने के लिए मैदान में उतर गए हैं, क्योंकि चुनौती उनको मिल गई है। पूर्णिया की सीट पर तैयारी करते रहे लेकिन लालू यादव के राजनीति का शिकार हो गए। रुपौली की विधायक जनता दल यू की जब राजद में शामिल होती हैं तो उनको टिकट मिल जाता है, पप्पू यादव हाथ मलते रह जाते हैं। लेकिन पप्पू यादव ने कदम पीछे नहीं खींचा है, वो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देखिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त है, वो चुनावी मैदान में मजबूती के साथ लड़ेंगे और उन्होंने अपनी ताकत का एहसास करवाना भी शुरू कर दिया है। जिस तरीके से उन्होंने नामांकन किया, जिस तरीके का रोड शो उनका रहा, जिस प्रकार की भीड़ उमड़ी और जो सहानुभूति उनके लिए देखने को पूर्णिया में मिल रही है, जाहिर है नुकसान बीमा भारती को उठाना पड़ सकता है। राजद का कोर वोटर अगर पप्पू के साथ गया MY तो फिर कहीं ना कहीं बीमा भारती इस लड़ाई के मैदान से ही बाहर दिखाई देंगी। लेकिन अब ऐसे में देखना है कि कांग्रेस क्या फैसला लेती है, क्या कार्रवाई करती है, किस प्रकार का एक्शन लेती है अगर पप्पू यादव अपने कदम पीछे नहीं खींचते हैं तो। जैसा कि दिख रहा है कि पप्पू यादव पूरे दमखम के साथ मैदान में हैं और इस ओर तो बिल्कुल भी संकेत नहीं है कि वो अपना नाम वापस भी लेंगे।
बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।